टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। वुमेन डिस्कस थ्रो के एक मुकाबले में भारत की कमलप्रीत कौर ने टॉप 8 में दूसरे पोजीशन पर रहते हुए फाइनल में जगह बना ली है। आपको बताते हैं, ग्रुप बी के मुकाबले में चले इस इवेंट में कमलप्रीत कौर ने अपने पहले अटेम्प्ट में 60.29 मीटर डिस्कस थ्रो किया, जिससे वो पांचवें पोजीशन पर आ गई और दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए 63.97 मीटर डिस्टेंस को कवर करते हुए वह दूसरे स्थान पर आए। हालांकि अटेम्प्ट में यह 64 मीटर को कवर करने में चूक गई, जिससे वह सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते। फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में कमलप्रीत ने 64 मीटर मार्क को टच करते हुए सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। ओवरऑल वह दूसरे स्थान पर रही। वही बात करें सीमा पुनिया की, वह ग्रुप बी के इस इवेंट में 16वें स्थान पर रही। उन्होंने 60.5 मीटर डिस्टेंस को कवर किया, जिससे वह फाइनल में जगह बनाने में कामयाब न हो सकी। आपको बता दें तो कमलप्रीत का बेस्ट स्कोर 66.59 मीटर है, जो इस मुकाबले में टॉप स्कोर 66.42 से बेस्ट है। कमलप्रीत का मुकाबला अब 2 अगस्त को होगा, जिसमें वह गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार हैं अगर वह अपना बेस्ट कर पाए। अगर इस मामले के टॉप 3 में रहती हैं तो उनके और भारत के लिए मेडल पक्का हो जाएगा। कमलप्रीत के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बेस्ट ऑफ लक लिखना न भूलें।